अब आपको जादू का दरवाजा दिखाएंगे, जरूरी है क्योंकि यो दरवाजा है आज आंगनबाड़ी का। पकड़ी समा, अब क्या व्यवस्था है तो जी गांव जाटू वास के अंदर ही हूँ। और जी ये पानी की व्यवस्था मेरे हिसाब से लग रही है जाटू वास के अंदर, गांव के अंदर। और ये गांव के अंदर जा रहा है, रास्ता जा रहा, तो बीच में ही स्कूल पड़ता जी, विधानसभा क्षेत्र सादलपुर 19, भाग संख्या 152, मतदान केंद्र राष्ट्रीय उप वरिष्ठ विद्यालय जाटूवास, बीएलओ हरिकेश मीणा जी, ये उनका फोन नंबर है जी। और ये राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जाटूवास चूरू का जी, आ जाए क्योंकि मेरी आदत है मैं इस तरह की नूज अदालत दिखाता रहता हूँ, चाहे वो मेरे शहर की हो चाहे वो कहीं की और की हो। तो ये सरकारी स्कूल है जी, और सरकारी स्कूल के अंदर के अगर व्यवस्था की बात करूँ तो व्यवस्था ध्यान भी दीपांशु, ये व्यवस्था है सरकारी स्कूल की, चाहे बात राजस्थान की हो चाहे हरियाणा की हो। बस यह है कि अगर मैं एक बात कहूँ, जो मैंने देखा वहाँ पे जो शिक्षक हैं उनके पास स्कूलों के अंग प्रांगण के अंदर गाड़ी खड़ी मिलती है, और राजस्थान के अंदर शिक्षक हैं उनकी यहाँ पे मोटरसाइकिल और स्कूटी खड़ी मिलती है। बस यो फर्क तो वहाँ पे है, यो फर्क मैंने यहाँ पे देखा है मास्टरों के अंदर। अच्छा दूसरी बात जी, जब ये सारा कच्चा है और आगे कमरे हैं, आगे स्कूल है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो बात इनसे करूँगा सर। मैं आया तो जाटूवास वैसे था, और वैसे आपका स्कूल बीच में आ गया सर। नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक है सर। थोड़ा सा अपने परिचय दीजिए प्लीज। बलवान सिंह जांगड़, गाँव अमीरवास। आप बलवान सिंह जी जांगड़ सर, बताएं स्कूल की क्या, कितने बच्चे हैं, कितने शिक्षक हैं? स्कूल में 6 टीचर हैं। अच्छा जी, और 52 बच्चे हैं। 52 बच्चे हैं, और साथ में आंगनबाड़ी है। इधर ये खेल मैदान है, आगे पीछे पड़ा हुआ है, और इधर झूला लगा हुआ है सर। इसमें जो नए कमरे बने, ये बने नए कमरे आपके स्कूल में? हाँ, कमरे 4 नए कमरे हैं, एक ऑफिस है। तो आजकल जो डिजिटल क्लासेस लगती हैं वो आई हुई आपके स्कूल में? आपकी बिजली पानी की क्या व्यवस्था है? बिजली है, पानी के लिए टाका है इधर, और ये सप्लाई वाला है इधर। शिक्षक और पूरे कह सकते हैं व्यवस्था पूरी है। इसकी कच्ची पक्की क्या क्या करते हैं इसके लिए? नहीं, इसके लिए ये है कि ये जो मंदिर की जगह है, ये गेट जो लगाया है ना, ये मंदिर की जगह है। अब इसको हटा करके सामने जो एक टंकी बनी हुई है, इसके पास से सीधा है। अच्छा। ये प्रस्ताव दिए हुए सरपंच को, जब भी बन जाएगा। धन्यवाद सर, नमस्ते। आप लोकल है? हाँ, तो बताएं आपके स्कूल की व्यवस्था है, आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी बढ़ेगा इंडिया। यस सर, बताएं। हमारे स्कूल में मतलब बढ़िया व्यवस्था है, गुरुजी हैं वो बढ़िया शिक्षा देते हैं बच्चों को, और बढ़िया मतलब सभी बच्चे रेगुलर टाइम से आते हैं, और अनुशासन भी हमारे स्कूल का बढ़िया अनुशासन है। सर आपके स्कूल के बच्चे मेरिट की बात करूं, इस तरह की उपलब्धि कोई और स्कूल में फंक्शन में अपना भाग लेना? पिछली बार आते हैं, पिछली बार एनएमएस में एक बच्ची हुई है, और उससे पहले जो सूचना प्रौद्योगिकी जो एक परीक्षा का आयोजन करती है उसमें भी एक लड़की थी। लड़की, चलो थैंक यू सर। तो वहाँ पे आंगनबाड़ी है। चलो जी, अच्छा पानी की व्यवस्था किस तरह सर? आपके पानी की व्यवस्था क्या है फिर? पानी की व्यवस्था मतलब टाका बना हुआ है एक तो। अच्छा ठीक है, ये जो वाटर सप्लाई का जो पानी आता है, जो सप्लाई का पानी आता है वो पानी आता है, पानी अवेलेबल पूरी रहता है। पानी की व्यवस्था, और ये आंगनबाड़ी है इसमें मतलब ये देखो गेट वगैरह नहीं है, थोड़ा गेट वगैरह वो सही होता है तो वो बताऊंगा जी, जो आंगनबाड़ी चलावा है आप क्या बतावांगे। अब सही राजस्थान का गढ़ मारा हूँ। नमस्ते मैम, आप चलाते हैं आंगनबाड़ी? हाँ। कितने बच्चे आते हैं आपके पास? हमारे पास 11-15 बच्चों का नामांकन है, 3-6 वर्ष के बच्चों का। अच्छा, कितने बच्चे आ जाते हैं? कितने टोटल? 15 बच्चे हैं। 15 बच्चे हैं। हाँ। 15 बच्चे आते हैं टोटल। हाँ। तो ये व्यवस्था आपके पास? हमारे पास ये व्यवस्था नहीं, सिर्फ ज्यादा व्यक्तिगत व्यवस्था हमारे पास यहाँ ये देखिए आप, हमें ये कपड़ा मिला हुआ है। अच्छा, आइए देखिए, इस कमरे में हम बारिश की वजह से रह नहीं सकते, बारिश के टाइम पर बच्चे बैठा नहीं सकते। यहाँ से सारे, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरे में पानी रहता है, बारिश के समय पर पूरा सामान भी जाता है, सब कुछ रखने के लिए आपको। हाँ, यही है, यही हमारे पास है। और 15 बच्चों के लिए कमरा वो है। हाँ, बस ये चीज है, बस यही हमारे पास। कितने जनों का स्टाफ आपका? हमारा 3 का स्टाफ है। क्या क्या देते हैं आज, क्या दिया बच्चों को? और पोसार में हमें
मीठे मुरमुरे और फीके मुरमुरे दिए जाते हैं वो दिए थे। कर्मचारी पेटेंट है और कर्मचारी ने मेरे को कहा कि वहाँ से कि सर आप हमारी ये व्यवस्था जरूर दिखा के हैं। हाँ। इनके लिए सलाम है इनको कि इस तरह के बोलने नहीं के कर्मचारी तो पता कैसे चलेगा क्या हरियाणा क्या राजस्थान, क्योंकि बच्चों का भविष्य तो एक है, क्योंकि IAS बनेगा कोई वैज्ञानिक बनेगा कोई और क्यों बनेगा तो देश में देश का नाम खिलाड़ी ऊंचा होगा, वो देश का बच्चा मेडल हीरा सोना वो यहीं से निकलता है जी इन्हीं के हाथों से। अब ये कर्मचारी है चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो कुछ भी हो, आजा जी ये कमरा आपके पास है, ये कमरा आपके पास है आजो जी, ये खुल जा सिम सिम है राजस्थान का और ये आंगनवाड़ी की व्यवस्था है जी, ये देखें अपन का बच्चे यही बैठते हैं, यही बैठते हैं मेरे बच्चे। और मुझे सरकार से ये कहना कि अगर इसके कारण कोई बच्चे का कोई मृत्यु हो गया कोई कारण हो गया तो उसकी मैं नहीं सरकार होगी, कुछ नहीं है इसके मेरे पास, मेरे पास कुछ नहीं है, सरकार ने मुझे कुछ नहीं दे रखा। अब जिन्हें ना पढ़े पढ़ दियो अनार आ आम ई इमली ई ईख के ये आज भी पढ़ावे हैं, हैं ना देश बदला ना देश की शिक्षा बदली ना देश की व्यवस्था बदली, बस यह है कि आज ये अनार अंग्रेजी मान लागे उसका अंग्रेजी नाम टेक दिया, लेकिन व्यवस्था अगर सरकार की बात करूँ तो यह व्यवस्था है आंगनवाड़ी की। अब जिस प्रकार से सरकार नेता मुख्यमंत्री साहब आए दिन अखबारों में सुर्खियां बने रहते हैं एड के माध्यम से पता चलता है कि ये व्यवस्था आज हम राजस्थान के अंदर दे रहे, लेकिन वास्तव में अगर धरातल की बात करूँ तो आंगनबाड़ी की व्यवस्था ये है जी। अब मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब गाँव में क्या के लिए काम को नहीं होया, किस लिए इनकी मांग पूरी नहीं होने लगी, लाइट तक की व्यवस्था को नहीं, पंखा तक यहाँ पे है को नहीं, तो गर्मी गर्मी में किस तरह बैठो आप, गर्मी में बैठना पड़ता है क्या करें, अच्छा कहाँ जाए बच्चों के लिए तो महिला कर्मचारी सारा कुछ लगाने को तैयार है, लेकिन सरकार भी कुछ लगाए प्रशासन में ध्यान दे काम, तो आप तो नेता आएंगे सुने, हमने कई बार कह चुका है, हमने कई बार विज्ञापन भी दे दिए मैंने हमारी सरकार को, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आज तक। तो ये बच्चे कौन से, ये स्कूल के हैं, कौन से कक्षा के, आठवीं कक्षा के, बच्चे आठवीं कक्षा के हैं, बच्चों के पास जाऊंगा, लेकिन क्या नाम आपका, रेनू कंवर, तो आंगनबाड़ी आपके जिम्मे पे है, जिम्मे पे है, तो अधिकारी आते हैं बच्चे कबार, अधिकारी आते हैं देख के चले जाते हैं कहते हैं करेंगे कार्रवाई, कार्रवाई कोई होती नहीं। कितने साल की पुरानी बात होगी, कितने साल हो गए ये बात मांगते, मैंने 2 महीने पहले भी विज्ञापन दिया था SDM साहब को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कहते हैं करेंगे, लेकिन मेरी सिर्फ एक ही कहना सरकार से, अगर इस कारण कोई बच्चे की मृत्यु हो गई या कोई कारण होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, सरकार और खुद होगी। अगर बाई चांस इतफाक से खुला माहौल है, पीछे खेत है, आज जाके ऊपर लिया ग्राउंड है ना, लेकिन खुला माहौल है, खेत खड़ा वाला एरिया है, अब यहाँ पे कोई जीव जंतु है कोई और जानवर है वो यहाँ बैठ जाए, आग ला जाना है, दरियों के अंदर बैठ जाए, किताबों के अंदर गुस्से में जाए, तो क्या अगली जिंदगी का होगा, किस प्रकार की व्यवस्था होगी। अरे देखे जी अरे दिमाग दिया बेटा शाबाश, दिखा दिखा डाल दिखा उठी खड़ी के दिखा, ये व्यवस्था दिखाने की होती, हाँ भाई ये तो दिखा दो पहले सर, नीचे सामान रखा ये भी दिखा दो तुम, क्योंकि जरूरी है, आज जी अब आपको जादू का दरवाजा दिखाएंगे, जरूरी है क्योंकि यो दरवाजा है आज आंगनबाड़ी का, पकड़ी समा अब क्या व्यवस्था है, कुत्ता बिल्ली कोई बढ़ जा खराब कर दे कोई है और कोई चोर चक्कर भी बढ़ जा तो भी सामान उठा ले जा, लेकिन ये कर्मचारी अब सामान को भरपाई करने में लगेगी या सफाई देने में लगेगी, क्योंकि व्यवस्था यह है, देखो जी मैं व्यवस्था दिखा रहा हूँ, सरकार किसी की भी हो हैं, प्रदेश कोई सा भी हो, व्यवस्था सरकार के अधीन आवे, इसमें क्या कांग्रेस क्या भाजपा, बस काम करने के लिए है, क्योंकि ये बच्चे आते हैं जी इस तरह के, अब ये बच्चे इस तरह की व्यवस्था देखेंगे तो क्या तो सीख पाएंगे भविष्य के लिए, और किस प्रकार से अपने आप को देख पाएंगे कि हमने भी कभी यही कहा था, मैं बार बार कहता हूँ वीडियो में कि हमने ऐसी ऐसी पैंट पहने रहते जिसे कार लगी हुई रहती पीछे ऊपर पैंट खींच जाया करती नीचे बैठते थे, लेकिन आज की व्यवस्था वही की वही है, बस यह है यहाँ पे आज भी काले लगने का जुगाड़ है, उस टाइम जींस नहीं थी आज जींस पहनने लग गए, ये फर्क है, बाकी फर्क कुछ नहीं है जी, लेकिन सरकार को बच्चों के लिए
सरकार को कर्मचारियों के लिए बच्चों सरकार को उस संस्था के लिए काम करना चाहिए जिसकी वो सख्त जरूरत है और जिसकी वो हकदार है। अब यहाँ पे 15 बच्चे बैठते हैं, इस कमरे में लाइट बल्ब पंखे तक की व्यवस्था नहीं है, पंखे तक की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था है। अब किस तरह की यहाँ पे काम चलेगा, किस तरह नहीं चलेगा। अब कक्षा 8वीं आज भाई तो अजय स्कूल स्कूल नमस्ते, आज क्या बात है? खिचड़ी बनाई। हाँ खुशबू आओ, खिचड़ी की तो अलग है। चलो जी खिचड़ी खिचड़ू की अलग आ रही है। तो अब बच्चे जी शिक्षक है बताने, गुड मॉर्निंग लेकिन गुड आफ्टरनून हो गया। कक्षा कौन सी है? 8वीं। बच्चों आपके लिए लाइट की पंखे की व्यवस्था की है? पंखे लगे नहीं है लाइट लाइट पर, तो जिस प्रकार से अंधेरा हो या आवाज किस तरह से आए आप लोगों की वजह से आवाज थी जी। अब यह बच्चों के लिए तो रामबाण है और आगे आज दिमाग तो जंगल दिखा दे जरूर, क्योंकि यो रामबाण के साथ साथ में सब कुछ है। और देखे जी अब पीछे आ जा, अब यहाँ पे दुर्गा माता की फोटो है जी, यहाँ पे सरस्वती माता की फोटो है जी। अब ये माता तो सब यहाँ पे है लेकिन व्यवस्था है वो नहीं है जो सरकार को देनी चाहिए इन बच्चों के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए। बच्चा क्या नाम है? सचिन। सचिन बड़े हो क्या बनोगे? डॉक्टर बनेगा। बच्चे क्या नाम है? मोनिका। मोनिका क्या बड़े हो क्या बनोगे? डॉक्टर बनेंगे। बच्चे क्या नाम है? प्रिया। बड़े हो क्या बनोगे? टीचर। अब इनके सपने हैं, कोई डॉक्टर के हैं, कोई टीचर के हैं, कोई किस प्रकार के हैं, लेकिन अब वो सपने इसी के नीचे बैठ के पूरे होंगे। बस आगे सरस्वती मैया की फोटो है, दुर्गा मैया की फोटो है, बस इनको देख देख के बच्चे अब सीख भी लेंगे, क्योंकि दोस्त तो ये बनेंगे है नहीं बच्चे। टीचर पूरे आपके पास? टीचर है आते टीचर। आप छुट्टी हो रखी क्या रखा है? छुट्टी हो रखी है। क्या नाम है? मंजू। मंजू बड़े क्या बनेंगे बच्चे? डॉक्टर। डॉक्टर बेटे अपना नाम क्या है? सीमा। सीमा बड़े क्या बनोगे बच्चा? टीचर। टीचर हाँ भैया जी अपना नाम क्या है? मोहित। मोहित बड़े क्या बनोगे? इंडियन आर्मी है? इंडियन आर्मी। अब इनके सब के सपने हैं, अब वो पता नहीं जी सपने पूरे होंगे कैसे, क्योंकि सपने पूरे कर। अच्छा मेरी बात सुने, अभी 8वीं इनके खाने के पैसे नहीं मिलते, ये राशन मनाते हैं। अच्छा 8वीं लोग कुछ नहीं दे। हाँ आपके भी नहीं मिलते क्या? नहीं जी नहीं मिले हैं। आपका नाम क्या है? परमिला जी है? परमिला। परमिला तो आपके पैसे मिले ही को नहीं है? मिले को नहीं जी, 8-9 महीना हो गया। दूध का बेर पोसार का बेर तो यो बना के लाऊंगा, तो बना के लाऊंगा ना जी। 8 ही बना वहां नहीं की मतलब तनखा है। अच्छा तनखा रुकी आपकी? हां तनखा कितनी आपकी? 2000 रुपए। 2000 रुपए। अब 2000 रुपए में या महिला के तो काम चलाओगी। अच्छा वो 500 रुपए में सिलेंडर मिला? अपने सिलेंडर मिला है जी। मिला है 500 रुपए वाला? 500 वाला सिलेंडर मिलता है तो 8 महीने की रुकी तो 8 दिन 16000 हो गए। तो घर का काम कैसे चल रहा आपका? के करा जी चला, गरीब मारी है करने पड़े काम करा जी, तो वो मिल तो को रहे नहीं, बताओ के करा। तो कब तक कोई आस है कि आपने किसी को बताया लिखा कि हमारे पास ये सुविधा नहीं मिल रही? जमे बताए थे जी गुरु जी। कितने बच्चे आपके? मैं तो 2 ही हैं जी। 2 बच्चे। चलो जी हैं, कोई बात नहीं जी, जिसने खड़ा कौन देखा उसने पढ़ा दिखता ही नहीं है। जब आप लोगों की व्यवस्था यहाँ की नहीं दिख रही ना, तो मेरे से कितने बोलने से कुछ नहीं होगा। बस यह है कि अब कोई भाग्यशाली वाले आदमी होंगे जो वीडियो शेयर करेंगे, क्योंकि मेरे लिए क्या पंजाब क्या हरियाणा क्या राजस्थान व्यवस्था दिखाना, व्यवस्था दिखाना मेरा काम है, चाहे वो माहौल चुनाव का हो चाहे माहौल किसी और व्यवस्था का हो। तो चुनावी माहौल कर रहा हूँ तो इसी तरह से व्यवस्था दिखाता चलूंगा, गांव राम की भी हो, नेताओं की भी हो और बनने वाले नेताओं की भी हो, पार्टियों की भी हो। कि विभाग काम इतना देता है कि मैं रात को भी काम विभाग कर देता है, 10 बजे मैसेज करता है कि अभी अभी ये व्हाट्सएप करके अभी बताओ, हमें ये रिपोर्ट अभी दो। तो विधायक काम काम के लिए फोन करते हैं या कहते तनखा के लिए भी व्हाट्सएप करते हैं? तनखा मिलेगी? तनखा का तर कौन करे जी? तनखा का तर नहीं करते हैं। हमारा कोई टाइम नहीं है पूरा दिन, अब 4 घंटा आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी से निकलते 2 घंटे गांव जाओ, गांव में जाओ 2 से 4 बजे घर पर जाओ। ये व्यवस्था देखिए, पत्थर भी खिसक रहे हो या बिल्डर में तेरा डाली है, अब पता नहीं कितना मजबूत है। और जो देख लो यानी स्कूल की व्यवस्था है, यानी आज भी यहाँ का भविष्य भी
बह के अंदर पढ़ने को मजबूर है। वो कितना खराब ग्राउंड है वो, मतलब ये देखो स्कूल के अंदर देखिए चार दीवारी करते इसकी जगह ये वो लगा रखी है हमने, कांटों की बाड़ लगा रखी है, तो जो भेड़ बकरी है वो इसके अंदर ना आ जाए कोई। देखो ये भी है स्कूल की व्यवस्था ऐसे लगानी पड़ेगी। चलो जी ये जाटुवास, हाँ जी जाटुवास, जाटुवास गाँव है और मैं चुनावी यात्रा पे हूँ। अब मुझे नहीं पता जी कितना अच्छा करा कितना बुरा करा, लेकिन ये व्यवस्था मेरे दिखाने के लिए ही है। मैं रोड की पुट्टी हुई है। हाँ हाँ वो दिखा दिया मैंने, पहले दिखा दिया।